मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देश विरोधी नारे लगने के मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि सूबे में कांग्रेस की सरकार बनते ही देश विरोधी ताकतें सर उठाने लगी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सिमी के जो आतंकी जेल में ही कैद थे वे अब जमानत पर भी छूटने लगे हैं। वहीं ग्वालियर में महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी द्वारा मुख्यमंत्री का भाषण न पढ़ पाने पर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। भारतीय न्यूज के लिए जबलपुर से विकास पांडे की रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से देश के लोगों को समाज और जीवन के बहुत ही साधारण लेकिन अनछुए पहलुओं से अवगत कराने की एक परंपरा प्रारंभ की है और मुझे कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि मन की बात के इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में करोड़ों लोगों ने देश और समाज के उन सारी परिस्थितियों को बहुत बारीकी के साथ जाना जिसकी आवश्यकता देश को थी और इसीलिए मैंने ये महसूस किया कि आज जबलपुर में शहर के सभी प्रतिष्ठित गणमान्य जन एक साथ बैठकर और मन की बात के कार्यक्रम को लाइव देखें और आज भी हमने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुवर रविनाथ जी टैगोर, संत रविदास जी सहित ऐसे प्रमुख लोगों के जीवन के बारे में वो बातें सबके साथ साझा की हैं जिनसे देश के लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए। युवाओं का उन्होंने आह्वान किया है आगे बढ़ने के बारे में, देश में आज हमारा अंतरिक्ष विज्ञान कहाँ पहुंच रहा है उसके बारे में जानकारी दी है। युवा आने वाले समय में उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनसे किस तरह से उनका सामना करते हुए आगे बढ़ें, बहुत साधारण तरीके से इन सारी बातों को आज उन्होंने आज की मन की बात में देश के साथ साझा किया है। मुझे कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि आज शहर के सारे गणमान्य जन एक साथ एकत्रित हुए, मन की बात को सबने सुना और सबने ये महसूस किया कि वास्तव में मन की बात का प्रत्येक कार्यक्रम देखने लायक योग्य है और अनुकरणीय है। देखिए, हम पहले से ही कहते चले आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, देश विरोधी ताकतें सर उठा रही हैं, सिमी की आतंकवादी जो अभी तक कभी छूटे नहीं वो जमानत पर रिहा हो रहे हैं और इसलिए धीरे 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 प्रदेश अराजक स्थिति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आज आवश्यकता है कि लोग इस बात को समझें कि बरसों तक ये मध्य प्रदेश जो शांति का टापू माना जाता रहा है, अचानक यहाँ क्या हो गया कि एक के बाद एक हत्याएं, लूटपाट और अराजक स्थितियों का निर्माण हो रहा है। ये केवल इसीलिए है कि मध्य प्रदेश में सरकार को आज मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है, बल्कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रताड़ित किया जा सकता है, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा सकता है और उनके अपने लोगों को कैसे उपकृत किया जा सकता है, इस सरकार का पूरा ध्यान उसी तरफ है और उसी का ये दुष्परिणाम है। ग्वालियर में इमरती देवी हैं जो महिला बाल विकास मंत्री हैं, वो हिंदी में भाषण भी नहीं पढ़ती। अब ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की काबिलियत है, इससे अधिक इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा।